पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में 8 नवंबर यानी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा होगी। योगी आदित्यनाथ कैराना में एक पीएससी कैंप का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ शामली जिले में हुए योगी सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का कैराना दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ कैराना पलायन मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि 2016 में कैराना पलायन मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी सैकड़ों सभाओं में बात रखी थी और कहा था कि भाजपा सरकार बनने के बाद कैराना में व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कैराना में सबसे पहले एक के बाद एक कई एनकाउंटर हुए, जिसके बाद से बदमाशों में भी भय व्याप्त हो गया था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी। कल कैराना पहुंच रहे योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं रैली को लेकर तैयारियों में लगे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी का कैराना कार्यक्रम भव्य होगा और बड़ी संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ जी को सुनने आएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया एक्सप्रेस 24x7। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से विकास के नए कीर्तिमान लिखे हैं, और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार उनके द्वारा दी गई कानून व्यवस्था के कारण लोगों के जीवन बदले हैं, हम शामली में खड़े हैं और कैराना में कल वो आने वाले हैं। भारी उत्साह लोगों के अंदर है और सबसे बड़े उत्साह का जो कारण है वो विकास के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो कैराना जहां गुंडाराज था, भय था, आतंक था, पलायन था, व्यापारी लगातार अपनी दुकानें छोड़कर के भाग रहा था, काम को तलाश कर रहा था, और मैं कह सकता हूं कि लगातार हत्याएं हो रही थी, रंगदारी मांगी जाती थी, उसी कैराना में योगी राज में जिस प्रकार का कानून का राज स्थापित हुआ है और उसके पास के औद्योगिक क्षेत्र में जहां हजारों करोड़ रुपए का आज निवेश हुआ है, साथ साथ एक्सपोर्ट हो रहा है, हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, तो उसी कैराना में कल योगी जी आ रहे हैं। वो भी एक बड़ी बड़ा तोहफा लेकर के कैराना में एक पीएससी कैंप के शिलान्यास के लिए योगी जी का कार्यक्रम है, तो भारी उत्साह लोगों के अंदर है, बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शामली की जनता पलके बिछाए बैठी है और सभी लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आपने शामली जनपद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को जो नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम सब आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।